अब अपन हर्ट की एनाटॉमी और डिटेल में पढ़ते हैं, यानी चैम्बर्स के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ इसके अंदर हम अपन क्लियर कर लेंगे। तो एक चीज़ हमने देखी कि हर्ट के अंदर चार चैम्बर हमने देखे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, जो कि आपके किस साइड हैं, राइट साइड में पाए जाएंगे। उसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, ये किधर पाए जा रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड में पाए जा रहे हैं। अब देखिए इस डायग्राम में समझने वाली चीज़ क्या है कि हम जब इसको सामने से देखते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा लेफ्ट साइड होती है, ठीक है, लेकिन ये वाला राइट साइड होती है। लेकिन हमें इसको किस तरीके से देखना है कि ये जो हर्ट है वो किसी पर्सन का रखा हुआ है और पर्सन हमारे बिल्कुल सामने लेटा हुआ है, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये कोई पर्सन है, ये हमारे सामने लेटा हुआ है, तो जो इसका लेफ्ट होगा वो हमारा क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, और जो इसका राइट होगा वो हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो हमें इसके हाथ से हिसाब से चलना है, ठीक है, अपने हिसाब से नहीं चलना, इसके हिसाब से चलना है। तो इधर वाला पोर्शन क्या होगा इसका, हमारे हिसाब से तो ये राइट होना चाहिए लेकिन इसके हिसाब से क्या है, ये लेफ्ट है। तो हमें सामने वाले के हिसाब से देखते चलना है। तो इसलिए इधर वाला पोर्शन क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर वाला क्या होगा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये क्या हो गए, हमारे चैम्बर्स हो गए चार। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो वेंट्रिकल और एट्रियम है इसके बीच में एक पट्टी पाई जाती है। इस पट्टी को क्या बोला जाता है, डिवाइडिंग सेप्टम, ठीक है, डिवाइडिंग सेप्टम इसको बोला जाता है। अगली चीज़ आप एक चीज़ देखेंगे कि जो एट्रियम्स होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है, वहीं जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल हैं ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम इनकी मस्कुलरिटी की बात करें तो आप देखिए एट्रियम के बाहर ये जो पिंक कलर की दिखाई दे रही है, ये क्या है, मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स हैं, पेशियाँ हैं। तो पिंक कलर की जो यहाँ पर लाइनिंग दिखाई दे रही है वो काफ़ी पतली लाइनिंग है, इसका मतलब क्या है कि एट्रियम के आसपास जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी पतली होती हैं, थिक होती हैं, सॉरी थिन होती हैं, ठीक है। वहीं हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल में आप देख रहे हैं पिंक पिंक कलर की जो मसल्स हैं वो काफ़ी थिक हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि एट्रियम के मुकाबले वेंट्रिकल में जो मसल्स हैं काफ़ी थिक पाई जाती हैं, पहली चीज़। वहीं यदि हम लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की तुलना करें आपस में तो हम क्या देखेंगे, जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड है वहाँ पर भी मसल्स की जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है मुकाबले किसके, राइट वेंट्रिकल के, ठीक है। ये आपको इस डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपको आंसर देता हूँ कि क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए जो राइट वेंट्रिकल है इसको ब्लड पंप करना है, लेकिन ब्लड कहाँ तक लेके जाना है, पल्मोनरी आर्टरीज तक। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जा रहा है, ये ब्लड लंग्स में जा रहा है, ठीक है। तो हर्ट के पास ही लंग्स हैं, ज़्यादा इसको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है आगे। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल की हम बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा वो एरोटा के थ्रू जाएगा, और एरोटा जो है वो कहाँ तक ब्लड फ्लो करती है, वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करती है। तो पूरी बॉडी में जब उसको ब्लड फ्लो वो करेगी, इसका मतलब वो उसको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा प्रेशर का मतलब है ज़्यादा मसल्स चाहिए हमारे लिए, ठीक है। तो ये बेसिक साइन के अंदर अंतर होता है। आगे हम बात करें राइट एट्रियम की, तो राइट एट्रियम में देखिए दो हमारे सामने क्या है, महाशिराएँ आती हैं, ठीक है। दाहिने आलिंद यानी कि राइट एट्रियम में दो महाशिराएँ आती हैं जिसे अपन कहते हैं वेना कैवा। सबसे ऊपर से आती है सुपीरियर वेना कैवा और नीचे से आती है इन्फीरियर वेना कैवा। वेना कैवा के अंदर क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जो ऊपर के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारे हर्ट से ऊपर के जो ऑर्गन्स हैं उनसे जो ब्लड को लेकर आएगी उसे क्या कहेंगे, सुपीरियर वेना कैवा, और जो हर्ट से नीचे के ऑर्गन्स हैं उनसे जो ब्लड को लेकर आएगी उसे अपन क्या कहेंगे, इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है। तरीके से आप क्या देख पा रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं, देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा कि वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से लेके आ रही है, ये लेके आ रही है आपके लंग्स से ब्लड को लेके आ रही है। लेकिन जब लंग्स से ब्लड आ रहा है इसका मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो एक ऐसी अकेली वेन है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है या फिर हम कहें प्योर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो लेफ्ट एंट्री आट्रियम में आके क्या खुलती हैं, पल्मोनरी वेन्स खुलती हैं, और राइट एट्रियम में आके क्या खुलती हैं, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है। तो अपन वेंट्रिकल की बात करते हैं तो सबसे पहले राइट वेंट्रिकल में हम देखते हैं तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज में जाना तो चाहिए था कैसा, शुद्ध रक्त, ठीक है। लेकिन ये आर्टरीज एक ऐसी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, और ये अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है लंग्स के, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये कहाँ जा रहा है, ये लंग्स में जा रहा है किसमें, शुद्ध होने के लिए, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आया, लेफ्ट आर्टरीम से कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एरोटा में, जिसे अपन कहते हैं महाधमनी, और महाधमनी के थ्रू ब्लड कहाँ फ्लो कर दिया जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर किस तरीके से है, क्या क्या इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, कौन कौन सी हम कहें वेंस होते हैं, कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं, क्या क्या लेफ्ट एट्रियम में पाया जाता है, क्या राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। एनाटॉमी के अंदर हमने ये सिर्फ पढ़ लिया, ठीक है, सारे चैम्बर्स हमने क्लियर कर लिए, सारे वेन्स हमने क्लियर कर ली, ठीक है।
अब अपन वॉल्व की बात कर लेते हैं। देखिए चार वॉल्व मैंने आपको बताए थे, सबसे पहले ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, दूसरा है पल्मोनिक या फिर पल्मोनरी वॉल्व, और तीसरा है मिट्रल वॉल्व जिसे अपन क्या कहते हैं डाइकस्पिड वॉल्व, और अगला है एरोटिक वॉल्व। ठीक, तो सबसे पहले अपन ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात कर लेते हैं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य कौन से वॉल्व पाए जाएंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आपके पाए जाएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आपका किसके अंदर आता है, राइट एट्रियम के अंदर आता है, तो राइट एट्रियम के बाद वो ब्लड कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। तो जब ब्लड राइट एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आ चुका होता है, उसके बाद ये जो हम कहें वॉल्व्स हैं ये बंद हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि ब्लड वापस एट्रियम में ना चला जाए। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके अंदर पाए जाएंगे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। आगे चलते हैं, पल्मोनरिक या फिर पल्मोनरी वॉल्व, आप देख पा रहे हैं ये पल्मोनरी आर्टरीज है, और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच ये वॉल्व पाए जा रहे हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, एक बार मैं और क्लियर करा देता हूँ। देखिए ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है, इस पल्मोनरी आर्टरी के बीच में क्या पाए जाते हैं, पल्मोनरी वॉल्व पाए जाते हैं, जो कि किस तरीके के वॉल्व हैं, हम कहें अर्धचंद्राकार कपाट, इन्हें हिंदी में बोला जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व भी आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आगे अपन बढ़ते हैं मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व क्या बोला जाता है, डाइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है। तो डाइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में पाए जाएंगे, लेफ्ट आट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य कौन से वॉल्व देख रहे हैं आपको, मिट्रल वॉल्व या फिर इन्हें अपन क्या कहते हैं बाइकस्पिड, या फिर सॉरी बाइकस्पिड वॉल्व इन्हें बोला जाता है, डाई नहीं बाई होगा, सॉरी बाइकस्पिड वॉल्व इन्हें बोला जाता है। इसी तरीके से अगला आता है आपका एरोटिक वॉल्व, और एरोटिक वॉल्व किसके बीच में देखने को मिलता है हमें, एरोटा के अंदर हमें एरोटिक वॉल्व देखने को मिलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं एरोटिक वॉल्व। ठीक है, ये कैसे वॉल्व होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट इन्हें हिंदी में बोला जाता है, जो कि आपके किसके अंदर पाए जाने, पल्मोनरी वॉल्व या फिर एरोटिक वॉल्व को क्या बोला जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है,